हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। टू बी कंटिन्यू, कल डिस्कस कर रहे थे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। टॉपिक था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उसके अंदर अपन ने डिस्कस किए थे उसके रेशियो के बारे में, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, और उसपे फॉर्मूला देखा था अपन ने पी बी पी एच एच बी के बारे में। फिर उससे अपन ने रेशियो फाइंड आउट किया था, उसके अंदर थ्री थे अपने पास रेशियो, जिनके बीच में फाइंड आउट कर रहे थे हाइपोटेनिस बेस एंड परपेंडिकुलर। लास्ट उसमें अपन ने डिस्कस किया था पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बनती है अपने पास, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एच बी एंड पी, हाइपोटेनिस बेस एंड परपेंडिकुलर पे से अपने को कितनी वैल्यू मिलेगी, थ्री वैल्यू मिलेगी, और वन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मीन्स क्या, इसमें कुछ स्पेशल एंगल्स है, स्पेसिफिक एंगल्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो वो क्या बनेगा अपना, जीरो डिग्री, नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 45, देन नेक्स्ट 60 एंड लास्ट 90 डिग्री। मीन्स अपने पास टेबल में 0, 30, 45, 60 एंड लास्ट 90 पे एंगल है। फर्स्ट अपना एंगल होगा साइन, यहां थीटा यूज नहीं करेंगे। थीटा क्यों यूज नहीं करेंगे, साइन 0 डिग्री। देखो थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है, थीटा एंगल, कल डिस्कस कर रहे थे ना अपन एंगल। तो क्या बनेगा, साइन 0 डिग्री बनेगा, साइन 30 डिग्री बनेगा, साइन 45 डिग्री बनेगा, साइन 60 डिग्री बनेगा, साइन 90 डिग्री बनेगा, साइन नेक्स्ट कोस, नेक्स्ट टैन, टैन कोट सेक एंड लास्ट वन कोसेक। क्या बनेगा, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बनाने को आप इसकी टेबल बना भी सकते हो, बट डायरेक्टली आप नोट करोगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू बनती है अपने पास 0। साइन 0 की क्या बनेगी, 0 डिग्री नहीं है ये वैल्यू है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। साइन 30 की वैल्यू बनती है अपने पास 1/2, क्लियर है। साइन 45 की वैल्यू अपने पास बनेगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू बनेगी अपने पास √3/2 एंड लास्ट साइन 90 की वैल्यू बनेगी अपने पास 1। आपको डायरेक्टली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू लर्न करने थे, उसके बाद में सारी सारी क्या बन जाएंगे अपने पास 0। आप इनको बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। देखो 0, 30, 45, 60 और 90 है, तो इनको बनाने के लिए क्या बनाएंगे अपन, 0, 1, 2, 3, 4, फिर मैक्सिमम जो डिजिट है 4 वो सबसे डिवाइड करेंगे, 0/4, 1/4, 2/4 और 3/4, 4/4, फिर इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू आएंगी। उससे आप बेस्ट रहिए, डायरेक्टली लर्न कर लो, 0 की 0, फिर हाफ के 1/√2, फिर √3/2 एंड लास्ट इज 1। अब कोस क्या है, इसका रिवर्स, इसकी रिवर्स वैल्यू यहां पुट कर दो। मीन्स कोस की क्या बनेगी, 1, फिर √3/2, फिर 1/2, देन नेक्स्ट 1/2 एंड लास्ट इज 0। मीन्स कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, कोस 30 डिग्री की वैल्यू बन गई अपने पास √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू बनेगी 1/2, लास्ट कोस 90 की वैल्यू बनेगी डियर स्टूडेंट 0, क्लियर है। टैन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, तो आपको क्या करना है डियर, साइन एंड कोस की वैल्यू बनने के बाद में एक टेन थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बनता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मींस साइन एंड कोस के रेशियो में अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन अपॉन कोस इज इक्वल्स टू क्या बना सकते हैं, टेन थीटा। तो साइन एंड कोस की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे सबको, तो अपने पास क्या मिलेगा, टेन की वैल्यू आ जाएगी। तो 0/1 क्या होगा, 0। देखो इसको इसके डिवाइड में करना है, मींस 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से, 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया 1/√3, क्लियर। ये दोनों देखो 1/√2 को 1/√2 सेम डिजिट होती है तो क्या बनता है, ऑलवेज 1।
अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो टू एंड टू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा रूट थ्री अपॉन वन, और रूट थ्री अपॉन वन को रूट थ्री बना सकते हैं। वन अपॉन जीरो क्या बनेगा, जीरो नहीं बनेगा, देखो ये तो है जीरो अपॉन वन मीन्स जीरो अपॉन वन इजिकल्स टू जीरो, बट वन अपॉन जीरो क्या बनता है नॉट इजिकल्स टू जीरो, ये क्या बनेगी इनफाइनाइट, क्या बनेगा इनफाइनाइट। अब नेक्स्ट ये अपने पास में भाई इसका रिवर्स नोट कर दो, यहां ये इनफाइनाइट, ये रूट थ्री, ये वन अपॉन रूट थ्री, और ये क्या बन गया अपने पास जीरो, क्लियर है। देन नेक्स्ट अब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सेक जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी, तो डियर स्टूडेंट सेक थीटा इजिकल्स टू, सेक थीटा इजिकल्स टू वन अपॉन क्या बनता है कोस थीटा बनता है, क्या बनता है वन अपॉन कोस थीटा, सेक थीटा इजिकल्स टू क्या बनता है वन अपॉन कोस थीटा, मीन्स जो कोस की वैल्यू है, कोस की वैल्यू है वो वन अपॉन कोस में पुट कर देनी है अपने को, उसका रिवर्स कर देना है। तो देखो कोस वाली लाइन कौन सी है, ये वाली वैल्यू है ना सारी की सारी, तो डियर स्टूडेंट कोस वन है, वन का मीन्स क्या है वन को अपन क्या नोट कर सकते हैं वन अपॉन वन, तो वन अपॉन वन का रिवर्स भी क्या बनेगा वन। फिर नेक्स्ट इसका रिवर्स बनाएंगे तो टू अपॉन रूट थ्री, इसका रूट टू अपॉन वन, रूट टू अपॉन वन का मीन्स रूट टू, और वन अपॉन टू का इनवर्स टू, जीरो का इनवर्स क्या होता है इधर देखो ये जीरो है, जीरो मीन्स जीरो अपॉन वन, ये जीरो बनता है, इसका इनवर्स क्या बनेगा वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो इजिकल्स टू इनफाइनाइट, क्या बनेगी इनफाइनाइट। अब देन नेक्स्ट इसका रिवर्स ये टू, ये रूट टू, टू अपॉन रूट थ्री, और ये वन क्या बनेगी ये, इसको रिपीट कर रहे हैं देखो एक बार, आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेन थीटा इजिकल्स टू साइन अपॉन कोस, और सेक थीटा इजिकल्स टू वन अपॉन कोस, ये दोनों वैल्यू अपने को क्या करनी है माइंड में रखनी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी जीरो, वन बाय टू, वन बाय रूट टू, रूट थ्री अपॉन टू वन, क्लियर। कोस की में क्या करना है इसका रिवर्स कर देंगे अपन, इस साइड से नोट कर देंगे इसका अपोजिट साइड से, यहां से टेन में क्या बनाना है साइन अपॉन कोस को डिवाइड करना है, मीन्स साइन एंड कोस की वैल्यू उनको डिवाइड करके देखा वो सारी की सारी अपने किस फॉर्म में आ गई, इसका रिवर्स किया तो क्या हो गया कोट। सेक का क्या करना है अपने को, सेक इज इक्वल्स टू बनता है वन अपॉन कोस, मीन्स कोस की जो वैल्यू है उनका क्या कर देना अपने को इनवर्स कर देना है, इनवर्स का मीन्स टू अपॉन थ्री का इनवर्स क्या बनता है थ्री अपॉन टू बनता है ना, तो जीरो वन का इनवर्स क्या बनेगा वन का मीन्स वन अपॉन वन बना सकते हैं इजिकल्स टू वन होता है, तो वन का इनवर्स ये रह गया, इसका इनवर्स ये कर दिया, इसका इनवर्स ये कर दिया, इसका इनवर्स ये कर दिया, और जीरो का इनवर्स क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, और उसको रिवर्स करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको कोस की वैल्यू मिल जाएगी, कोसेक की वैल्यू मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट लुक, ओके नेक्स्ट इसी ऑर्डर में अब आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेबल आपको लर्न करनी है, लर्न नहीं होती है तो एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हो उसको राइट करके देख सकते हो बैक साइड में। फर्स्ट क्वेश्चन अपना टू साइन थीटा, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, अपने को क्या फाइंड आउट करनी है 6.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन अपना टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री, क्या बन रहा है अपने पास ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, क्लियर है। ये सारी की सारी वैल्यू आपको लर्न टेबल से देख के यहां पुट करनी है, देखो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये क्या रह गया टू का टू, क्लियर है टू तो कॉन्स्टेंट है, टू इंटू ये इंटू है सारे, टू इंटू को साइन 45 की वैल्यू टेबल से बनानी है अपने को, साइन 45 की वैल्यू देखो वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू इंटू कोस 45 की वैल्यू देखो, कोस उसके अंदर 45 पे एंगल पे था उसके सामने कौन सी वैल्यू पुट कर रखी है 45 की, क्या है वन अपॉन रूट टू, क्लियर दोनों सेम सेम ही है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या रह गया टू इंटू साइन 45 इंटू
कोस 45 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनता है 1, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 2, क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रह गया 2 साइन 45 इंटू कोस 45 इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू क्या आ गई इसकी 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल के अंदर वैल्यू देखनी है कौन सी एंगल है कौन सा फंक्शन है, साइन 45 है तो वो सारी और कोस 45 वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लिया। ये आपका क्या है एक्सरसाइज 6.1 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी ऑर्डर में देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 3 साइन 60 माइनस 4 साइन की क्यूब 60, 4 साइन टू दी पावर 3 कोस 60, क्लियर है। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो देखो इसका मींस क्या होता है, ऑलवेज इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं 3 इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 4। देखो साइन की क्यूब है ना तो अपन क्या बनाएंगे हम लोग इसको साइन 60 की होल पावर 3। ध्यान रखना है एंगल का कभी स्क्वायर क्यूब या पावर 4 नहीं थी, इसका मींस क्या है इस फंक्शन पे यूज होगी। आप कभी ये मत कर देना अपने पास ये हो साइन थीटा होल स्क्वायर, मैं तो ये ऐसे बनेगा साइन थीटा स्क्वायर, ये इसके इक्वल भी नहीं होगा साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ये दोनों रॉन्ग है। साइन थीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा साइन स्क्वायर थीटा के, ओनली क्या बनता है फंक्शन का स्क्वायर बनता है, क्लियर है ना। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो देखो अब 3 इंटू साइन, साइन वाली लाइन देखो उसके अंदर 60 पे जो लाइन है वो बताओ कितनी है, वो आपको मिलेगी रूट 3 अपॉन 2 मिल रही है, माइनस 4 साइन 60 की वैल्यू अगेन रूट 3 अपॉन 2 होल क्यूब, क्लियर है। जो वैल्यू थी वो टेबल में देख के अपन ने यहां पुट कर दी, 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू रूट 3 की क्यूब क्या बनेगी, ये देखो रूट 3 की क्यूब इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 को 3 से किया 3 और एक और रूट रह गया तो क्या रह गया 3 रूट 3 और 2 की क्यूब क्या बनेगी 8, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, क्या रह गया 3 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2, ये देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या रह गया वैल्यू 0, तो 3 साइन 60 माइनस 4 साइन की क्यूब 60 इज इक्वल्स टू 0, आपकी वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई 0। देखो आप इसको क्वेश्चन था अपना 3 साइन 60 माइनस 4 साइन की क्यूब 60 इज, इसको अपने को क्या फाइंड आउट करनी थी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो अपन ने सारे ही साइन साइन 60 की वैल्यू साइन की टेबल में 60 के जस्ट बाद में तो नीचे लिखी है वो वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लिया जो प्लस माइनस था वो करके देख लिया, उसकी वैल्यू क्या बनी आपके पास 0। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसी ऑर्डर में, सिक्स, फोर कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, वही है सेम इसके राइट साइड में नोट कर लो या यहां नोट कर लो, 4 इंटू क्या बने क्या नोट कर सकते हो कोट 45 होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा को अपन किस फॉर्म में नोट कर सकते हैं सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 को क्या नोट कर सकते हैं साइन 60 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 90 को क्या नोट कर सकते हैं साइन कोस 90 होल स्क्वायर, बना सकते हैं होल स्क्वायर इसके ऊपर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, देखो 4 इंटू देखो कोट वाली लाइन देखो
कोट वाली लाइन के अंदर 45 पे जाओ, उसके जस्ट लोअर साइड में क्या वैल्यू है, वन है, वन स्क्वायर माइनस सेक 60 की वैल्यू देखो आप, सेक 60 वाली लाइन देखो और उसके सामने 60 की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, टू आ रही है क्या, टू की स्क्वायर प्लस साइन 60 वाली भी लाइन देखो, साइन 60 की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, रूट थ्री अपॉन टू स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यू, कोस वाली लाइन देखो उसके अंदर लास्ट वैल्यू क्या है कोस की, जीरो है क्या, तो जीरो की स्क्वायर, क्लियर है, वो सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। अब कैलकुलेट करना है, फोर इंटू वन की स्क्वायर वन, माइनस टू की स्क्वायर फोर, प्लस रूट का स्क्वायर क्या बनेगा थ्री का, थ्री और टू का फोर, ध्यान रखना है इस रूट थ्री का भी करना है और फोर का भी करना है, दोनों साइड का होगा, जीरो की स्क्वायर की होती है जीरो, तो प्लस जीरो, फोर वन जा फोर, माइनस फोर प्लस थ्री अपॉन फोर, जीरो एड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई, थ्री अपॉन फोर, आपका आंसर क्या निकल के आया, थ्री अपॉन फोर। तो अपने पास क्वेश्चन था फोर कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90, ये सारी की सारी वैल्यू अपन ने क्या कर दी, टेबल से कंसीडर कर ली और यहां इससे अपन ने पुट कर दी। देखो एक बार इसको, जो वैल्यू थी वो सारी की सारी वैल्यू पुट करी है क्या अपन ने, सेम कैलकुलेशन करी है क्या, अच्छे से चेक करो इसको, क्लियर है, ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दैट इज 2 10 30 माइनस वन माइनस 10 स्क्वायर 30, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, 2 tan θ 30 अपॉन 1 minus 10 square 30, तो वैल्यू पुट कर रहे हैं इसके अंदर, देखो 2 into tan θ की वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन देखो tan वाली वैल्यू देखो उसके अंदर, tan वाली वैल्यू देखी और 30 पे जाओ tan की लाइन में, 1 अपॉन √3 बनेगी क्या, माइनस 1 माइनस इसको क्या बना सकते हैं, tan स्क्वायर है तो tan 30 की वैल्यू पुट कर दो पहले, फिर इसकी स्क्वायर कर देना डायरेक्ट, क्या बन गया 2 into 1 upon √3, 1 minus 1 upon √3 के क्या बनेगा स्क्वायर, डायरेक्टली नोट कर सकते हैं अपन, अब क्यूब है तो क्यूब वैल्यू पुट कर देंगे, पावर 4 है तो पावर 4 पुट कर देंगे, ये अपना क्या हो जाएगा वैल्यू पुट कर दी। देखो 2 को 1 से क्या 2 upon √3 करेक्ट है, माइनस डिवाइड ये क्या बनेगा 1 minus 1 की स्क्वायर 1, √3 की स्क्वायर क्या बनेगी 3, कैलकुलेट करो इसको, 1 upon 1 बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 upon √3, एलसीएम पुट करो एलसीएम बनेगा 3, देखो लोअर साइड का एलसीएम लेंगे अपर साइड का तो कोई जरूरत नहीं है अपने को, तो अपन क्या करेंगे 3 and 1 का एलसीएम क्या बनेगा 3 divide 1, तो क्या क्या बनेगा 3 minus 1 और 3 minus 1 क्या बनेगा 2 upon √3, क्या बनेगा 2 upon 3 बन सकता है। इसको नेक्स्ट फोरम में अपन क्या बना सकते हैं, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 tan θ 1 minus 10 square 30 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू है डिवाइड आ रहा है, डिवाइड इन टू में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट फ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी ना, डिनोमिनेटर में तो ये क्या बनेगा 3 upon 2, क्लियर है, ये क्या रह गया इससे कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 3√3। अब आप इसको सोल्व आगे भी कर सकते हो, 3 को मैं क्या नोट कर सकता हूँ √3 into √3, क्या नोट कर सकता हूँ इस 3 को, मैं ये नोट कर सकता हूँ क्या √3 into √3, इसका रीजन क्या है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3, एंड नीचे वाली टर्म सेम रह गई तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 tan θ 1 minus 10 square 30, इसका फाइनली आंसर क्या आया √3। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते रहते हैं, कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, ओके, हैव ए नाइस डे।